तो वही राहुल गांधी के केदारनाथ दौरे पर उत्तराखंड में अब सियासी घमासान मचा है। जी हां, राहुल गांधी की यात्रा को लेकर कांग्रेस बीजेपी में वार पलटवार का सिलसिला शुरू हो चुका है। बीजेपी ने राहुल गांधी की यात्रा को चुनावी स्टंट बताया है। राहुल गांधी को चुनाव के समय ही धार्मिक संस्थान याद आते हैं, बीजेपी ये कह रही है। और बीजेपी के बयानों पर कांग्रेस ने अब बड़ा पलटवार किया। उन्होंने कहा, बीजेपी से ऐसी तुच्छ मानसिकता की उम्मीद नहीं थी। देवभूमि की परंपरा अतिथि देवो भव की है। देवभूमि उत्तराखंड में कोई भी आता है तो उसका हार्दिक स्वागत है, और भगवान भोले के दर्शन कोई करने के लिए आ रहा है तो निश्चित तौर पर उसका स्वागत होना चाहिए। लेकिन प्रश्न ये खड़ा होता है कि जब जब चुनाव आते हैं या जब जब कोई देश के अंदर ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि हमको धार्मिक चीज़ों का फ़ायदा लेना है, तभी राहुल गांधी को केदारनाथ जी भी याद आते हैं, भगवान महाकालेश्वर भी याद आते हैं, काशी भी याद आती है, या अन्य जो देश के बड़े बड़े प्रतिष्ठान जो धार्मिक हमारे हैं वो याद आते हैं। नित्य में उनके मन में कभी धार्मिक भावना नहीं रहती है। लेकिन ये अच्छी बात इस समय देश में हुई है, सनातन धर्म और हिंदू ये एकजुट हुआ है और ये जागा है। इसलिए गांधी परिवार को भी आज मजबूर होना पड़ रहा है कि सोनिया जी भगवान राम को तिलक कर रही हैं। कभी जीवन में सोनिया जी ने अपनी बेटी प्रियंका को और राहुल को रामलीला नहीं दिखाई। मेरे नेता श्री राहुल गांधी उत्तराखंड पधारे हैं, केदार बाबा की शरण में 3 दिन तक रहेंगे। विशुद्ध रूप से आध्यात्मिक और धार्मिक यात्रा पर वो आए हैं। ऐसे में उत्तराखंड भाजपा के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेश जोशी की प्रतिक्रिया इस दौरे पर अभी अभी प्राप्त हुई। जोशी जी से ये आशा थी नहीं। 2.5 मिनट के अपने वीडियो में गांधी परिवार को वो जितना नीचा दिखा सकते थे, जितना सनातन विरोधी वो बता सकते थे, उन्होंने कोशिश की। लेकिन मेरा जवाब समूची भाजपा को और सुरेश जोशी जी को ये है कि 2013 में ना देश को मोदी जी का नेतृत्व मिला था और ना ही कोई चुनाव नज़दीक थे। वो राहुल गांधी अकेले एकमात्र ऐसे नेता हैं, जब दैवी आपदा उत्तराखंड पर आई तो 19 किलोमीटर पदयात्रा करके एक सुरक्षित उत्तराखंड का, सुरक्षित केदार का संदेश राहुल गांधी जी ने पूरे देश और विदेश। तो चलिए इसी खबर पर एक बार फिर से हमारे साथ देहरादून से संवाददाता नासिर हुसैन जुड़ चुके हैं फोनलाइन पर। नासिर, राहुल गांधी केदारनाथ पहुंचे, केदारनाथ दौरे पर वो है, लेकिन इसी बीच अगर देखा जाए चुनावों को लेकर, चुनावी स्टंट बीजेपी उनके इस दौरे को लेकर बता रही है, तो वही इसी को लेकर कांग्रेस ने ये क्लियर किया है कि ये चुनावी स्टंट नहीं है, बीजेपी की जो मानसिकता है वो तुच्छ नजर आ रही है। क्या कुछ कहेंगे इस बयान पर? देखिए, राहुल गांधी के दौरे के बाद अब राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं। राजनीतिक प्रतिक्रिया के तौर पर बीजेपी इन पर सवाल उठा रही है। बीजेपी के तमाम जो नेता हैं, प्रवक्ता हैं, उनका ये कहना है कि उत्तराखंड में अगर राहुल गांधी आए हैं तो वो अब चुनाव, क्योंकि नजदीक है, 5 राज्यों में चुनाव चल रहा है, लोकसभा का चुनाव, तो ऐसे में वो अब चुनाव के कारण ही अब यहाँ पर है। हालांकि कांग्रेस के तमाम नेताओं का कहना है कि वो निजी दौरे पर हैं, वो आस्था रखते हैं भगवान श्री केदारनाथ में, भगवान श्री बद्रीनाथ में, तो ऐसे में उनके इस दौरे को लेकर के इस तरीके के राजनीतिक बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। लेकिन चूंकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे तो कांग्रेस ने उन पर सवाल उठाए थे, तो जाहिर तौर पर अब कांग्रेस के नेता आए हैं तो बीजेपी का सवाल उठाना लाजमी है, और उसका कारण ये मान के चल रहे हैं क्योंकि चुनाव नजदीक है, तो ऐसे में राजनीतिक बयानबाजी होती है और ये स्वाभाविक है और इसी तरह की बयानबाजी अब हो रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया नासिर आपका तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।